हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफिट चैनल। तो अभी फिर से एक बड़ा अपडेट आ चुका है वज़ीरेक्स को लेकर। तो वज़ीरेक्स की एक नई डिटेल आई है जो हम बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ आपने देखी होगी कि बाइनेंस के ऊपर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। वो ये कि अगर आपने सोचा होगा एक समय पे कि आप इंडियन एक्सचेंजेस छोड़कर शायद बाइनेंस को यूज़ करेंगे, तब बाइनेंस भी उतना सेफ नहीं रहे, यानी कि आपकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास उसी तरीके से जाने वाली है। डिटेल जानने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे टैक्स भी देने वाले हैं, टीडीएस भी देने वाले हैं। अब बाइनेंस उस तरीके का एक्सचेंज नहीं रह गए, और अगर आप यहाँ से विड्रॉ भी करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो दोनों में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज का जो अपडेट है वो मैं इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। वज़ीरेक्स की खासकर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे जो है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ सामने आई है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपके साथ मैं बाइनेंस के बारे में भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बाइनेंस अब वो बाइनेंस नहीं रहा है। अभी हमें शायद एक बड़ा ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ वॉल्फ्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो आज के दिन ही वज़ीरेक्स का एक नया ट्वीट आया है, जहाँ पे इन्होंने बात करी है कि 240,000 से भी ज़्यादा ऐसे वॉलेट एड्रेसेस हैं जो कि डिस्क्लोज किए गए, और ये खासकर डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए किए गए। तो यहाँ ट्वीट के साथ साथ एक पूरा लिंक दिया गया है जहाँ पे सारी अनाउंसमेंट दी गई है, जहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। लेकिन इसी लिंक पे इन्होंने बाउंटी प्रोग्राम वाला भी यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है, यानी कि अभी भी चाहते हैं कि बाउंटी प्रोग्राम में कोई पार्टिसिपेट करता है किसी ना किसी तरीके से अमाउंट को ट्रैक एंड फ्रीज कर देता है या फिर वाइट हैट रिकवरी कर देता है, तो ये उनको बाउंटी देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी अभी तक नहीं आई है जो इस बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके जो हमारे फंड्स जो रिकवर नहीं हो पा रहे उनको रिकवर करे, जो हमारे फंड्स हैक हुए हैं। तो ऐसा कोई बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला मिला ही नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में इतने बड़े से बड़े हैकर बैठे हैं, बड़े से बड़े यहाँ पे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो कि बहुत ही ईजिली इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। इसका रीज़न ये भी है कि शायद कुछ ना कुछ डिटेल वज़ीरेक्स के पास भी है जो कि ये रिवील नहीं कर पा रहे हैं, और ये डिटेल सिर्फ हाई कोर्ट में ऑफ सिंगापुर में ही रिवील करी जा रही है। तो ऐसे ही आज के दिन कुछ सामने आया जो कि ये पहले भी डिस्क्लोज कर सकते थे, लेकिन वज़ीरेक्स ने अब फाइनली ये डिस्क्लोज किया है कि लगभग 2.5 लाख वॉलेट एड्रेसेस हैं या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि हैक हुए हैं, और यहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए इनको किसी न किसी तरीके से यूज़ भी किया जाएगा, यानी कि इनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा कि किस वॉलेट में से कितना अमाउंट निकला है। तो यहाँ पे वज़ीरेक्स का कहना यही है कि यहाँ पे वो पूरी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज़र्स के साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे शेयर करी जा रही है। तो अभी ये जो एफिडेविट फाइल किया गया हाईकोर्ट ऑफ सिंगापुर के साथ, इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स है जो कि क्रेडिटर्स को प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जेटाई प्राइवेट लिमिटेड की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का कहना यह है कि आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत छोटा सा नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों से भी ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉलेट्स हैं जो कि हैक हुए हैं, और इनको अभी रिवील भी किया जा रहा है। यहाँ पे वज़ीरेक्स का कहना यह है कि 4.3 मिलियन यूज़र्स होने के कारण ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2.5 लाख एड्रेसेस को हैक करना, जो कि ओवरऑल टोटल एड्रेसेस में से एक बहुत ही छोटा अमाउंट दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये डिटेल वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख वॉलेट्स को देखना या फिर हमारा वॉलेट उसमें है या नहीं ये चीज़ चेक करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसको लेकर कोई खास डिटेल भी नहीं आई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक वॉलेट की लिस्ट यहाँ पे डाली गई हो या फिर कैटेगराइज करके लिस्ट डाली गई हो, जैसे कि इथेरियम की लिस्ट बनाई गई हो, WRX की लिस्ट बनाई गई हो कि कौन कौन से वॉलेट्स हैक हुए, तो ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। सिर्फ एक नंबर ही सामने आया है कि इतने बड़े नंबर का वॉलेट्स हैं, यानी कि इतने ज़्यादा वॉलेट्स हैं जो कि हैक हुए हैं। तो इनकी ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ यही है कि एक नंबर देना, लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी भी है अगर एक यूज़र है तो उसके बाद हो सकता है 10 से भी ज़्यादा वॉलेट्स हो, कई सारे वॉलेट्स, क्योंकि हर एक वॉलेट अलग अलग है। अगर आपने इथेरियम डालना है तो अलग वॉलेट है, सोलाना डालना है तो अलग वॉलेट है, WRX डालना है तो अलग वॉलेट है, लेकिन अनटिल अनलेस वो सेम वॉलेट के ऊपर है या फिर सेम एड्रेस के ऊपर है, जैसे कि अगर इथेरियम बेस्ड है तो सारे के सारे कॉइन अगर इथेरियम बेस्ड हैं तो वो एक ही वॉलेट पर जाते हैं। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पे एड्रेसेस में से टोकन बैलेंसेस को स्वीप ऑफ किया गया, जो कि कोल्ड वार्म या फिर हॉट वॉलेट्स में डाले गए। थोड़ा और क्लियरली बताऊँ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये प्रोसेस चल रहा है स्वीपिंग एंड कंसोलिडेटिंग का, ताकि सारे के सारे जो टोकन बैलेंस बनते हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल जितने टोकन बैलेंस बनते हैं वो देखा जाए कि वो कितना अमाउंट बन रहा है, और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। यानी कि अगर इतने लाखों में वॉलेट्स हैं, लाखों में एड्रेसेस हैं, तो उनका अमाउंट चेक करना और उनको कंसोलिडेट करना
और फिर उसके बाद एक नंबर लाना कि उस नंबर को फिर वापस से सभी एड्रेसेस के ऊपर सेंड करना, यानी कि वापस उनको फिलअप करना। तो ये एक कोई छोटा टास्क नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उससे भी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है कि एक नेटवर्क फ़ी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। जब भी वॉलेट्स की स्वीपिंग होने वाली है, नेटवर्क फ़ी बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जिस कारण ये बहुत ही स्लोली चल रहे हैं, एक स्लो अप्रोच को ही फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ दिखी है, वो इन्होंने ये बोला है कि इनकी प्रायोरिटी है कि इस प्रोसेस को मैनेज करना विदाउट इन्फ्लेटिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को बढ़ाए बिना। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इन्होंने बोला कि इंश्योरिंग योर फंड्स रिमेन सिक्योर एंड योर रिकवरीज ऑप्टिमाइज, यानी कि एक तो इन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ बोल दी है कि हमारे फंड को सिक्योर रखा जाएगा और उनको रिकवर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये अभी एक रे ऑफ होप मिल रहा है कि शायद अमाउंट या फिर फंड्स इनके पास पड़े हैं या फिर किसी न किसी तरीके से शायद ये रिकवर करके हमें देने वाले हैं। अब एक और सबसे बड़ा सवाल जो मेरा अभी तक रहा है वो है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कॉइन गब्बर के ऊपर इन्होंने पहले डिटेल डाली हुई थी लेकिन वो अभी तक अवेलेबल वापस फिर से नहीं हुआ जब से हैक हुए। तो ये फिर से बोल रहे हैं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को फिर से लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले, ताकि ट्रस्ट को एनहेंस किया जाए और सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ ये शो भी कर पाएं कि हमारे जो फंड्स हैं वो सिक्योर हैं। अब फिर से क्या है कि थर्ड पार्टी कस्टोडियंस और सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, जैसे कि पहले भी एक कस्टोडियन था लेकिन कस्टोडियन से भी वो की चोरी होगी और सारे के सारे वॉलेट्स खाली हो गए, वो ज़ीरेक्स का हमारा जितना बैलेंस था वो पूरा का पूरा चला गया है। यानी कि अभी जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक नंबर दिख रहा है जिसको ना तो हम डिपॉजिट कर सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एड्रेसेस के ऊपर वो सिर्फ एक नंबर ही दिख रहा है। तो ओवरऑल एक्सचेंज का कहना यही है कि वज़ीरेक्स फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन पूरी देकर इन्फॉर्म्ड एंड सिक्योर फील करवाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ की अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है किस वॉलेट से कितना अमाउंट निकला है, यानी कि इंडिविजुअली हम नहीं जान पा रहे हैं, ना ही जान पाएंगे शायद, क्योंकि अमाउंट ही बहुत बड़ा है और वॉलेट्स का जो नंबर है, एड्रेसेस के नंबर है, वो बहुत बड़ा है। सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी प्रोवाइड करना वो आसान नहीं है। जैसे कि इन्होंने पहले 66% हमें फ़ंड वापस कर दिया INR का, बाकी का अमाउंट रखा हुआ है यूज़ करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे जो क्रिप्टो के बैलेंसेस हैं वो शो नहीं कर पा रहे हैं और ना ही शो कर पाएंगे इतना ईजली। तो ये जो चीज़ है ऐसे ही चलने वाली है, थोड़ा लंबा समय लगेगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही सामने आ रही है और इनके पास सिर्फ 6 महीने का मॉरेटोरियम है, और इस दौरान अगर कुछ बड़ा हो गया तो ठीक है, वरना इंडियंस के द्वारा, यूज़र्स के द्वारा कई सारे FIR केसेस भी किए जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर ताकि हमारे जो फंड्स हैं वो वापस जल्द से जल्द मिले। तो इसी के साथ मैं आपको बता रहा था कि Binance हमारा एक ऑल्टरनेटिव था लेकिन उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि Binance के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे एक अलग से अप्रूवल मांगा जा रहा है, विड्रॉ करते हो तो हो सकता है कि वो विड्रॉ प्रॉपर हो ही ना, उसमें भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, ID प्रूफ वगैरह ये सब कुछ देना पड़ेगा अगर आप फिर से डेक्स के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं या फिर एक नॉर्मल वॉलेट के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो इस समय दौरान हमें एक अलग से एक्सचेंज चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको एक डेक्स ही यूज़ करना पड़ेगा या फिर एक वॉलेट यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना अमाउंट रखो और डेक्स के ऊपर आप अपनी जो ट्रेडिंग है वो कर पाओ या फिर स्वैपिंग कर पाओ। लेकिन अगर आप बड़ी एक्सचेंजेस के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लॉन्च पूल के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर बेसिस पर, या फिर ऐसी और भी चीज़ें आती हैं जो कि Binance के ऊपर, ऐसी चीज़ें जो कि सारी बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं है, तो इनके लिए हमें अमाउंट Binance के ऊपर ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा के पूरा जो डिटेल है या फिर प्रॉफिट है उसकी डिटेल गवर्नमेंट के पास जाने ही वाली है। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।